अब एयरपोर्ट पर जवानों को देखकर आप नहीं डरेंगे? एक सफल सुरक्षाकर्मी वही है जो हर निर्दोष आदमी के मन में एक भरोसा जगाए। एयरपोर्ट पर खुशनुमा एहसास दिलाने की तैयारी। मैंने आकर देखा है कि इनकी जो CSIR की सुविधा बहुत अच्छी है। शुरू से जैसे हम उतरते हैं हमें रास्ता दिखाया जाता है कि हमने इधर जाना है, हम इस काउंटर पे खड़े हों, इधर चले हों, हमें सफाई भी रखनी है, सब कुछ करना है। मुसाफिरों का दिल जीतने की कवायद। ड्यूटी के साथ साथ पैसेंजर के साथ कैसे बिहेव करेंगे और कैसे उन लोगों का मुस्कुरा के स्वागत करेंगे और पैसेंजर के साथ कैसे डील करना है। एयरपोर्ट पर अब CISF जवानों का मुस्कुराना जरूरी होगा। CISF ने एक अनोखी पहल की है। एयरपोर्ट पर जिन जवानों को देखकर मुसाफिर डर जाते हैं, हवाई यात्रा शुरू करने से पहले ही उनकी खुशी गायब हो जाती थी। जितनी शक भरी निगाह से जवान मुसाफिरों को देखते हैं, उतनी ही उत्सुकता और संदेह से यात्री एयरपोर्ट पर तैनात जवानों को देखते हैं। लेकिन अब एयरपोर्ट का खौफ खत्म होने वाला है, क्योंकि CISF ने एयरपोर्ट पर आपको खुशनुमा एहसास दिलाने की तैयारी कर ली है। जी हाँ, अगली बार जब भी आप एयरपोर्ट जाएंगे तो आपको एक अच्छा बदलाव महसूस होगा। अभी आप जब भी एयरपोर्ट जाते होंगे तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि सुरक्षा के लिए मौजूद CISF के जवानों का बर्ताव अच्छा नहीं होता। ऐसा दरअसल इसलिए होता है क्योंकि CISF के जवानों पर एयरपोर्ट आने वाले यात्रियों की चेकिंग का दबाव रहता है और आपको फ्लाइट पकड़ने की जल्दी रहती है। ऐसे में आप CISF जवानों के बर्ताव से संतुष्ट नहीं होते हैं। लेकिन अब ये सब कुछ बहुत जल्द बदलने वाला है। जो भी पैसेंजर आता है उसको हम मुस्कुराते स्वागत करें। CISF के जवानों को मुस्कुराने की ट्रेनिंग। एयरपोर्ट पर पूछेगा CISF जवान, कैसे हो आप? मुस्कुराइए, क्योंकि आप एयरपोर्ट पर हैं। अगली बार जब आप एयरपोर्ट जाएं और सुरक्षा चेकिंग के लिए तैनात CISF के जवान को मुस्कुराते हुए देखें तो चौंकिएगा मत, क्योंकि एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी जिन CISF के जवानों के जिम्मे होती है, उन्हें अब बाकायदा मुस्कुराने की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली के इस एयरपोर्ट को मैनेज करने के लिए पूरा यहाँ एक मैनेजमेंट सिस्टम है। सबको ये बताया जाता है कि उनको ड्यूटी के दौरान अपने किस तरीके के रोल को निभाना है, क्या उनको करना है। यहाँ इस वक्त हम जिस जगह पर हैं, यहाँ CISF के जो ऑफिसर्स हैं उनको सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ के कोर्स करने के बाद इनकी ड्यूटी एयरपोर्ट पर लगेगी और इसके जरिए इनको समझाया जाता है कि अगर उनके सामने जिस तरीके से सिचुएशन आती है वो कैसे हैंडल करेंगे, कैसे पैसेंजर्स को डील करेंगे, और अगर किसी तरीके की मुश्किल आती है एयरपोर्ट पर या सिचुएशन खराब होती है तो उसको कैसे वो डील करेंगे, यहाँ पर ये बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो ऑफिसर्स हैं वो इस तरीके के यहाँ कोर्स कर रहे हैं, इसके बाद वो एयरपोर्ट पर डिप्लॉय किए जाएंगे। CISF के जवानों के लिए बिहेवियर एंड सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग कोर्स की शुरुआत की है, जिसमें जवानों को बताया जाएगा कि एयरपोर्ट पर यात्रियों के सामने उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो। यात्रियों के पहुंचते ही बोर्डिंग पास लेकर जवान यात्री से मुस्कुराकर पूछेगा कि आप कैसे हैं। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के साथ जवानों के व्यवहार पर CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम से जवानों के हाव भाव पर नजर रखी जाएगी और इस पर साप्ताहिक रिपोर्ट दी जाएगी। आदेश को नहीं मानने वाले जवानों पर कार्रवाई की जाएगी। हम यहाँ पे ईयर 2008 से ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये जरूरत इसलिए है क्योंकि जब ये दिशा आई उस समय पे हमारा जो एयरपोर्ट था वर्ल्ड के अंदर 124 रैंक करता था आउट ऑफ 127, और आज मुझे बहुत प्राउड होता है शेयर करने में कि 2017 में हमारा एयरपोर्ट वर्ल्ड का नंबर 1 ACI ASQ में आया है। लाखों की संख्या में यात्री देश के अलग अलग एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं और जब बात दिल्ली के एयरपोर्ट की हो तो ये दबाव कुछ ज्यादा ही हो जाता है। जवान जहां सुरक्षा में लगे रहते हैं वहीं उन्हें अपने तनाव पर भी कंट्रोल रखना होता है। से ये फायदा है कि हम ड्यूटी के साथ साथ पैसेंजर को कैसे मुस्कुरा के स्वागत करेंगे और उन लोगों का प्रॉब्लम को समझने के लिए कोशिश करें और उन लोगों के साथ अच्छा बिहेव करने के लिए अच्छा बिहेव रखें और उन लोगों के साथ हमेशा मुस्कुरा के स्वागत करते।
दिल्ली में एयरपोर्ट पर आतंकी हमले का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान हर वक्त अलर्ट रहते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट को जहां दुनिया का सबसे बेस्ट एयरपोर्ट माना गया है, वहीं पर यह सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक है और इस वजह से यहां सिक्योरिटी से लेकर के क्राउड को मैनेज करना एक बहुत बड़ा टास्क है। हालांकि इस तनाव को दूर करने के लिए सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दिए जाने की शुरुआत हो चुकी है। हैदराबाद के सेंटर में पहले ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी गई है, जिसके बाद ये ट्रेनर देश के अलग अलग एयरपोर्ट पर तैनात जवानों को ट्रेनिंग देंगे। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली।